हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं जी हाँ। और मेरी आज की वीडियो बेस्ड है ठग्गू के लड्डू के ऊपर। तो यहां आपको मैं बता दूं कि ये कानपुर की बहुत ही फेमस मिठाई की एक दुकान है जो कि पूरे कानपुर में मशहूर है, और ना सिर्फ कानपुर में बल्कि ये भारत के तमाम राज्यों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इसका स्वाद चखने की इच्छा जाहिर ना की हो। चाहे पीएम मोदी जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, हर कोई इन लड्डू का खासा दीवाना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो ठग्गू के लड्डू है, ये जो शॉप है पूरे 50 साल पुरानी है, और ये राम अवताप पांडे जी की दुकान है जो कि 50 साल से यहाँ पर है और दूर दूर तक फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ से ये मिठाई लेकर जाते हैं। अगर इन लड्डू की खास बात करें, इसकी खासियत की बात करें, तो इस लड्डू में मावा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूजी होती है, और बहुत सारी चीज़ें से ही मिलाकर बनाया जाता है। इसका स्वाद इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना यूनिक है कि ये जो ग्राहक है उनको अपने साथ अभी तक जोड़ा हुआ है। यानी कि जो पुराने समय से इस शॉप से ख़रीदारी करते हुए आए हैं वो आज भी इन लड्डुओं के दीवाने हैं। चाहे फिर कोई त्यौहार हो या फिर कोई पार्टी हो, ठग्गू के लड्डू बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो कुछ विदेशी यहाँ पर आते हैं और एक बार वो इन लड्डू का स्वाद चख लेते हैं, तो वो जब भी आते हैं तो इस शॉप से लड्डू लेना नहीं भूलते हैं। तो अगर आप भी कानपुर जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी खड़े होकर इस नाम को अगर आप बताएंगे कि हमें ठग्गू की शॉप पर जाना है, ठग्गू के लड्डू खाने हैं, तो वो आपको सीधा ले जाकर उस शॉप पर छोड़ देगा। ठग्गू के लड्डू के जो ओनर हैं उनकी खास टैगलाइन भी है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी टैगलाइन है। और इसके पीछे का कारण यही है कि इसका स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि जो भी कोई आता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, वो एक बार इस शॉप पर आता है तो वो लड्डू ज़रूर खरीद के जाता है। और इसके साथ ही इस दुकान पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है यहाँ की कुल्फ़ी, और उसको बोलते हैं बदनामी कुल्फ़ी। और बदनाम कुल्फ़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुल्फ़ी को कोई भी खा लेता है तो वो बार बार शॉप पर आता है, और अगर ऐसे में कोई मेहमान किसी घर पर आता है और उसको ये कुल्फ़ी खिला दी जाती है तो वो मेहमान वहाँ टिक जाता है, जाता ही नहीं है, इसलिए कुल्फ़ी काफ़ी बदनाम है। तो दोनों चीज़ें इस दुकान की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप भी कानपुर जाते हैं तो ये दोनों चीज़ ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।